सतवास तहसील के किसानों के रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला क्षेत्र के बड़े बांधों में शुमार चंद्रकेश्वर बांध श्रावण माह की विदाई होते होते आखिरकार छलक ही गया। चंद्रकेश्वर बांध के भर जाने से क्षेत्र के किसानों में रक्षाबंधन के त्योहार के साथ बांध के लबालब होने की खुशी दिखाई पड़ रही है। चंद्रकेश्वर बांध के भर जाने से आगामी फसल गेहूं, चना और मूंग की पैदावार नहरों के माध्यम से आसानी से हो जाएगी। क्षेत्र में एकमात्र पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाने वाले चंद्रकेश्वर बांध पर ओवरफ्लो को निहारने के लिए पर्यावरण प्रेमी चंद्रकेश्वर बांध पर पहुँचने लगे हैं। सतवास से जीतू सिंघी की रिपोर्ट। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस बार चंद्रकेश्वर डैम, जो कि पिछले वर्ष पूर्ण रूप से नहीं भराया था, इस वर्ष सावन के महीने में पूरा भरा गया है, जिससे सभी किसानों में हर्ष है और आने वाली फसल को लेकर किसान हम सभी किसान आशान्वित हैं, जिससे गेहूं का अच्छा उत्पादन होगा और बहुत ही बढ़िया पर्यटक स्थल भी है चंद्रकेश्वर डैम, जहाँ पे बांध भराने के बाद सैकड़ों लोग उसको देखने भी जाते हैं। चंद्रकेश्वर नदी जो है, जो हमारे माँ स्वरूप है, वो भी बिल्कुल कलकल बह रही है। बांध भराने से पूरे क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।